परसेंट रिजल्ट है। आपका 100%। हाँ, अभी जितना सेक्सीमेन हम डाले हैं इस बाछी में, जी, सब तो मान गई। एक सीमेंट डाले, मान गई। सर ये बहुत बड़ा कमाल है कि बहुत बड़ा आपने कमाल। कितने बाछी में एक बार सीमेंट लगाया है, सब सात सात गो है, 1 महीना के अंदर में सातों को पड़ा है। सर 1 महीना के अंदर में 7 बाछी को सीमेंट देने के बाद भी, हाँ, और एक बैग कैंसिव कर गए। हाँ, कैंसिव कर गए। ये आप लोग का बहुत बड़ा सफलता है, और मैं चाहता हूँ सर कि आप ये सफलता जो है बिहार में अपना अरवल डिस्ट्रिक्ट के जो युवा है उसके साथ जरूर शेयर करें, जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद बेरोजगारी के चक्कर में लोग 20,000 के लिए बाहर जा, 20,000 10,000 चक्कर में चल जाते जी। और एबीएस का हर जो बुल का सीमेंट है ना, अच्छा क्वालिटी में, उस सब अवेलेबल रहेगा। हाँ 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 अगर कोई बंदा शौकीन है कि ना हम अच्छा बुल का सीमेंट डलवाएंगे तो हम लोग यहाँ से सीमेंट जाके, तो अब दूर पर तो जा नहीं सकते हम डालने, लेकिन कोई अगर सीमेंट खरीद के ले जाएगा तो हम देंगे, उतना हम करेंगे अरवल जिला के। यहाँ लमसम 25-26 तारीख अवेलेबल हो जाएगा सारा सीमेंट। हाँ, अभी है लेकिन उतना मात्रा में नहीं है, का है अभी तो एवीएस का है बहुत जी, लेकिन उतना मात्रा में नहीं है। जी के लाएंगे अच्छे अच्छे बुल का, अच्छे अच्छे बुल लाएंगे। एक बार नंबर बोल दीजिए सर इसमें भी। 99-390-96-41 ये नंबर है, अगर किसी भी भाई अरवल से रिलेटेड हैं या आसपास के जिला में, आसपास के जिला अरवल वाले जो भी हैं अरवल जिले के अंदर, जहानाबाद जिले के अंदर, वो यहाँ टच कर सकते हैं और सीमेंट ले लेंगे। मेरे जो पर डे 400-500 लोग देखते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि चाहते हैं सर से कोई जानकारी भी लेना है, टच करना है, तो रात्रि में 6 और 9 के बीच में। तो सर ये बताइए कि 20,000 रुपया के लिए जो है 80% बिहार के जनता पलायन करके विदेश से लेकर के बाहरी स्टेट में भ्रमण करते हैं और उनको वहाँ भी सही स्थान नहीं मिलता है, जो कमाते हैं वो खाने में उड़ा देते हैं। 20,000 में बाल बच्चा के साथ ना है जी, अब बाल बच्चा के रखेंगे तो घट जाएगा पैसा जी, 20,000 में मेंटेन ना होगा। इंडिया का एक फॉर्म तो मान के चलिए है ना जी, पुणे में जो एक फर्म है इंडिया का जी, उसका फ्रीजियन और जर्सी का पर केजी 180 रुपये दूध बिकता है। पर केजी 180 रुपये, 180 रुपये बॉम्बे में उसका दूध निकलता जाता है, बॉम्बे में जाता है, बॉम्बे में जाता है पर केजी। पिछले हम उस फर्म को 8-10 साल से जान रहे हैं। सर आपका इस एरिया में आप शायद 15-20 किलोमीटर दूर तक लोगों को जो सेवा देते हैं? हाँ बिल्कुल, शादी ब्याह पार्टी जन्मदिन जी ये सब में हमारा दूध जाता है जी, दूध भी जाता है और हेल्थ से गायों का रिलेटेड सेवा देते हैं। और कई जो है कोई बंदा अगर इंटरेस्टेड रहता है तो दूर दूर से, कितने किलोमीटर दूर से आपसे जानकारी के लिए लोग आए? बहुत यूपी से लोग आए हैं, यूपी से भी आए। हाँ हाँ, उत्तराखंड के लोग बात करते हैं, झारखंड के बात करते हैं, बंगाल के बात करते हैं। हाल फिलहाल तो गोरखपुर से आए थे, हाल फिलहाल तो गोरखपुर के लोग आए थे, गोरखपुर से भी। हाँ, गोरखपुर से आए थे। तो सर ये जो इस सेक्टर में आप लोग का अभूतपूर्व योगदान है, आप दोनों भाई ने जिस तरह से आपस में जो तालमेल है, हमने बहुत सर दुनिया घूमा लेकिन देखा कि एक ही सेक्टर में दो भाई अगर इतने प्यार से काम कर रहा हो, मैंने संभव नहीं देखा। मतलब ये तो संस्कार का है, पूर्वज का संस्कार है। तो ये क्या ये ऐसा एकदम जब बनाए है ना मन में प्यार, ये अटूट है सर। हम भी चाहते थे, हमारे भी सेक्टर में हमारा भाई है, लेकिन शायद संयोग है कि वो शायद साथ में ना कर पाएगा। तो लेकिन मुझे बहुत अफसोस, अभी तुम्हारे ही सेक्टर से एक आए हैं यहाँ पे दरभंगा में जी, राधे डेयरी, राधे 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 बोलते हैं जी, अपना प्रोडक्ट सारा निकल रहा है, उनसे भी बात होता है अरुण भैया को जी। तो सर बहुत बड़े बड़े लोग आए इस सेक्टर में बिहार का जी, बहुत बड़े बड़े लोग। सर एक रिक्वेस्ट है, अरवल में कम से कम हम लोग को 10 फार्मर तैयार करना है। हम तो कोशिश में हैं जी, कोशिश में तो हैं। जो जो आपका बात सुने या इस तरह की मेथड को अपने अंदर लागू करे, चाहे वो एक ही गाय से क्यों ना लागू करे, लेकिन करे, और यंगस्टर हो जो हम लोग का जो आपका अस्तित्व है, जो पशुपालन है, डेयरी फार्मिंग है, या जो एडवांस टेक्नोलॉजी या टेक्निक आपने जो सारा सिस्टम लगाया है वो लगा, क्योंकि जब हम लोग का अंत होगा या लास्ट समय आएगा तो हमें ये मन में फील ना हो कि ये ही समाप्त हो गया, कोई है जो लेके आगे बढ़ रहा है, और ये मन में फील या दुख ना लेके जाएंगे। कम से कम 10 फार्मर हम लोग को सर अरवल में तैयार करना है, वो इंटरेस्टेड बंदा चाहे तो ढूंढ लेंगे या फिर कैसे न कैसे टच में आता है तो जरूर सेव करिएगा सर उनको। उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अगर जो कोई बार आता है तो कैसे हम लोग उनको गाइड करें, कैसे? हर तरह से मदद करेंगे उनको जी, हर तरह से मदद करेंगे उनको,
कैसे गाय लिया जाए, कैसे ब्रीडिंग पर काम किया जाए, कैसे पे काम किया जाए, हर तरह से सपोर्ट रहेगा। हर तरह? हाँ, हर तरह से सपोर्ट रहेगा। अगर कोई सर फार्मर मान लीजिए कि नेपियर से रिलेटेड इशू पर आता है, तो इस फार्मिंग के अंदर, गाय पालन के अंदर नेपियर का कितना बड़ा रोल है? जैसे घास तो है कि हम तो कहते हैं ना जी कि अगर आज गाय खरीदना है तो 2 महीना पहले नेपियर लगा लीजिए। नेपियर 2 महीना पहले? हाँ, गाय गोशाला में आए तो नेपियर एक है। तो घास तो सर कई प्रकार का होता नहीं, है। नहीं नहीं नहीं, हम लोग देखे नहीं, किसी नहीं। कारण बस से 4 दिन नेपियर नहीं दे पाए जी, तो हमारा फैट और SNF गिर गया, दूधो डाउन कर जाता है। जैसे फिर हम नेपियर स्टार्ट करते हैं, 3 से 4 दिन में रिकवर होकर फिर मेरा फैट SNF आ जाता है। हम कभी डेयरी पर उंगली नहीं उठाए, हम खुद महसूस कर लिए कि हमने तो नेपियर बंद कर दिया है जी, इसी चलते हम लॉस में जा रहे हैं अभी जी। तो सर ये दोनों हैं, देखिए अभूतपूर्व इनका जो वीडियो है, 100 साल तक चलना चाहिए भाई लोग, 100 या 200 साल तक देखना, क्योंकि इनका एक एक वर्ड और साहस जो है इसके लिए क्रांतिकारी है। और एक कल के गए, इस दुनिया में कोई रहे या ना रहे, इनका बातें जरूर रहेगा आप लोगों के साथ, और इसको आप फील लेकर के चलिए और कुछ सीखिए। इनका योगदान हम लोग भुला नहीं पाते हैं, हमारा टच। सर ये बताइए कि फार्मिंग में जो सबसे बड़ा एक इशू है, हर पॉइंट पे मतलब समझना पड़ता है या सोच के काम करना पड़ता है, जैसे एक छोटा सा पॉइंट है नाभि बनाना है, तो अगर अनजान बिना जो ट्रेनिंग का या जो भी किसान है जिनको नॉलेज संपूर्ण नहीं, उनको हाइट भी नहीं पता चलता है कि कितना हाइट रखना है, कितना लेंथ रखना है, या सबसे पहले तो किसान को चाहिए कि आसपास में जो डेयरी अच्छे जो पशुपालक उनके यहाँ जाना चाहिए, मिल ले उनसे, सारा नॉलेज ले ले, उनका जो बना हुआ है जी जी। वो अपने आंखों से देख ले जी, तभी हम लगे, तभी जाके सफल हो। आपको बता रहे हैं कि एक बेतिया जिला से जी, भारत गैस एजेंसी जी, रामनगर जी साइड का जी, एक बंदा हमारे पास फोन किए थे, 80 फीट गौशाला 80x30 जी का निर्माण करना चाह रहे हैं, तो रातें डिस्कस किए थे और उसमें हम बहुत कुछ नॉलेज दिए हैं जी, और विशेष हम बोले हैं कि जब काम लगाइएगा तो हम विशेष बता देंगे। सर आपका योगदान को अरवल तो नहीं भूल सकता है, पूरा भारत को भी नहीं भूलना चाहिए। मैं अरवल डिस्ट्रिक्ट में, अरवल इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, मुझे कोई ऐसा जो है इतना हेल्पफुल इंसान नहीं मिला, और ना ही इस तरह के पॉजिटिव सोच वाले लोग मिले हैं जो एनिमल हस्बेंड्री में क्रांतिकारी लाए। इन्होंने यहाँ के लोगों की सोच बदल के रख दी। आपका नाम सर युगो युगो तक जाए, और आप हमसे बड़े हैं, हम आशीर्वाद लेंगे आपसे और लेकर के प्रेरणा हम आगे बढ़ाएंगे, और जितना हो सकता आपके नाम को कभी नीचे ना जाने देंगे इस सेक्टर में, इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाने का हम लोग मिल के प्रयास करेंगे, और वो आपका सदैव सर सहयोग दिखा है मुझे। सर एक और चीज़ पूछना चाहते हैं कि एवरेज गाय का प्रति गाय औसत ठीक होने से सुधार रहता है फार्म का मिल्किंग, या फिर कोई 2-4 गाय का प्लस माइनस मिल्किंग से हम लोग लेकर के परसेंटेज देते हैं, मतलब ऑल ओवर गायों का एवरेज मिल्किंग लास्ट समय तक अच्छा रहेगा तभी फार्म सफल होगा। अच्छा तभी होगा जिसका खान पियान जी सारा मिनरल्स हो, सारा विटामिन हो, प्रोटीन जो भी है ना खान पियान में सब संतुलित दिया जाया है। सर एक गाय अगर मिनिमम एवरेज रेशियो में जो गाय होती है वो 15 लीटर दूध देती है, तो काम के लिए ठीक ठाक माना। हाँ ठीक, एवरेज प्लस जा रही है। तो सर उसका एक गाय का फीड आप बता दीजिए कि क्या होना चाहिए, जो रियली जो उसका फीड है, कितना किलो क्या देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट फैट जो जो भी आप देते हैं क्या कितना? तो मान के चलिए कि जैसे मक्का अगर 30-40% मिल रहा है जी, तो उसमें तो बहुत कुछ प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी है, सारा विटामिन है, एनर्जी भी है ना। अगर कार्बोहाइड्रेट हो गया तो एनर्जी आ ही गया। इसके बाद में आप चलिए चोकर है तो फाइबर मिल जा रहा है, उसमें भी कुछ कुछ परसेंट सब चीज़ है, उसमें दलहन हो गया, तेलहन हो गया जी। फिर जो बचा खचा है से सुपर नेपियर से मिल गया, नेपियर से। हाँ तो आप ये समझ जाइए कि अगर अच्छे फीड बना रहे हैं तो 1 किलो पर 400 ग्राम दीजिए, 1 किलो पर 400। हाँ, बॉडी मेंटेन के लिए कुछ नहीं देना है, जैसे 1 किलो दूध पर 400 ग्राम जो मिक्सचर। हाँ, अब बॉडी मेंटेन के लिए जो 1.5 किलो 2 किलो जो देता है ना, अगर सुपर नेपियर दे रहे हैं तो बॉडी मेंटेन तो सुपर नेपियर से हो जा रहा है, तो हमको तो 1 से 2 किलो के बीच में फीड बच रहा है और हेल्थ भी सुधर गया सब जानवर को। सर गाय को
क्या फिक्स है कि दो ही बार खिलाना या तीन बार? नहीं नहीं नहीं, क्या है मतलब, नहीं नहीं आपका क्या अनुभव उसका? हाँ, और एरिया अच्छा है तब 24 घंटे अगर गौत रहे तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे अच्छा गौत अनाज साथ में पानी भी रहे, पानी अनाज से ज्यादा गौत से ज्यादा हो सकता है पानी के, पानी जरूर होना चाहिए, पानी जरूरी होना चाहिए। सर आपका योगदान अभूतपूर्व है, और कहते हैं ना कि कोई प्रचलित होने के लिए काम करता है तो आपने वो उड़ान ना, ना प्रचलित के लिए ना, हम लोग जमीन पर काम कर रहे हैं जी, समझ गए ना जी। बहुत कुछ सहे हैं, बहुत कुछ सुने हैं, फिर भी हम लोग पीछे नहीं मुड़े हैं जी, और बहुत कुछ झेले हैं लेकिन पीछे हम लोग ताकबे नहीं करते हैं। हमारा जो काम सही देखें कि सही दिशा में हम काम कर रहे हैं, करते हैं। कोई शिकायत करे, कोई कुछ करे, उसे असर पड़ने वाला नहीं। ये आपका बैकग्राउंड का क्षमता है कि देखिए आज आपने इतने हीफर तैयार कर लिए। हम कह तो दिए कि बिहार में एकाध गो तो हमारा न नजर, अभी वीडियो जितना हम बिहार के देखे एकाध गो हम वीडियो में नहीं देखे हैं कि जो 7 गो सेक्स सीमेन लगा बाछी को 100% रिजल्ट आ गया, हमको तो न लग रहा है। सर बिहार उतना महंगा सीमेन जी के चाहे और एटलस जो हो जी, तो उतना महंगा महंगा 1500-1500 2000 का सीमेन अगर पड़ जाए या रिपीट हो जाए 2 बार 3 बार तो किसान के कमर टूट जाएगा। कहने का मतलब कि 5000-6000 कॉस्ट पड़ जाएगा ना एक बाछी पर जी। लेकिन हमारा तो कोई में प्रॉब्लम नहीं बुझाया। तो कितना शानदार इनका मैनेजमेंट आपने किया है सर। ये नया फार्म का उद्घाटन भी हुआ या ऐसी काम से? नहीं, ऐसी हो गया, बाछी लॉस में था तो तुरंत निकाल दिए इधर। अच्छा, होगा ओपनिंग, होगा हो जी, ओपनिंग होगा। अभी तो बड़ी कुछ बाकी है इसमें ना, देख सकते हैं ये फार्म और ये फार्म में कोई अंतर नहीं है, खाली दीवार का अंतर है। हाँ, से ये दीवार देखिए अगर हट जाए तो हमें लग रहा है एक बड़ा फार्म दिखाई देने लगेगा, ये दीवार ही सिर्फ अंतर है। और देखिए अभी और भी गाय इसमें अटैच, 15 गो क्या है बना हुआ, ये 15 गो क्या है सर, आगे भविष्य में उसको भी तोड़ के बढ़ाना है। अच्छा सर, ये क्या सोच के जो नाद का जो सिस्टम है पुराना पत्ती से काफी चेंज किए हैं, तो क्या इसमें देखिए इसमें परेशानी नहीं है खिलाने में जी। गोबर डाल दिए ऊपर से, फिर डाल के छोड़ दिए। इसमें पानी सिस्टम अभी पाइप ऊपर जो है इसमें पानी सिस्टम करना है, वाटर सिस्टम। हाँ, वाटर सिस्टम करना है ताकि अपने इच्छा के अनुसार पानी भी पीते रहे। ऐसे तो सुबह शाम अभी हम पानी पिला रहे हैं तो संतुष्ट नहीं है जानवर, संतुष्ट नहीं संतुष्ट। अभी तो ठंडा आई के चलते थोड़ा माने ये है, अगर गर्मी हो जाएगा फरवरी के बाद तो जानवर बर्बाद होने लगेगा पानी के अभाव में। पानी तो ये लोग को 100 लीटर चाहिए, 80 से 100 लीटर चाहिए एक दिन में जी। तो अभी तो मान लीजिए ठंडा में कम पानी पी रही है और हरियरी उरियरी चल रहा है तो थोड़ा ऐसे भी पानी मिल जा रहा है उससे। तो सर फार्मिंग में पानी का बहुत बड़ा रोल, बहुत बहुत बड़ा रोल है। दूध तो बनेगा, 80% दूध बनता है पानी से जी। तो पानी नहीं पिएगा तो दूध कहाँ से बनेगा? सर हम ये कहना चाहते हैं आपने पिछले साल के मुकाबले 1 सालों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया। आपका बच्चिया जहाँ छोटा छोटा था ये सब एकदम कंप्लीट हालत में ग्रोथ किया है। 8 महीने में तो हमारा शेड से लेके गाय तक देखने लायक हो जाएगा ना। अगले आठ महीने में उसको बच्चा दे देगी, बच्चा दे देगी। तो 7 गो हिफर ये लोग बच्चा देगी, सबके है जिक का और अच्छे अच्छे बोल गणपति है, ब्राजील का गणपति जो है अभी इंडिया का टॉप, अति इंडिया का विश्व का टॉप मान के चलिए गिर में, उसका सीमेन किनारे वाली को लगे वो भी कंसीव कर गई है। सर ये जो इंटरलॉकिंग फेंस मंगाए हैं ये कहाँ से? ये सब तो पटना से मंगाए थे। ये पटना से मंगाए, इसका क्या रोल है मतलब किस उधर लगाने? देखिए इसमें है कि अगर बाय द वे समय के भाव में ना भी उठा तो सुबह पर धूपा हल्का आएगा। हाँ, आ जाता है प्रकाश आ जाता है और गौशाला उशाला भी सूख जाता है। गर्मी लू कू के दिन है तो डायरेक्ट धूपा नहीं पड़ा हमारा जानवर पर, तो ये सब है इससे फायदा। वर्षा अगर छटास भी मार रहा है तो पानी नहीं आने देता है, पानी गिर जाता है। तो ये थे फार्मिंग के। अच्छा खुला रखना जरूरी है सर की पैक? नहीं खुला रखना, गौशाला जितने ओपन रहे जितना ओपन उतने गाय स्वस्थ रहेगा, एकदम स्वस्थ रहेगा। जितना गौशाला ओपन रहे, ओपन नहीं रहने से दिक्कत है। अभी जानते हैं जब मिल्किंग हम करते हैं ना तो अभी भी हम पंखा सब चालू करते हैं, पंखा चालू करते हैं, एकदम चालू कर देते हैं, सुबह रहे चाहे शाम पंखा चालू रहता है मिल्किंग में। ये था सर के साथ कितना बड़ा अनुभव शेयर किए, देख लिए आप लोग समझिए कि फार्मिंग के सेक्टर में आना है ना तो कहीं से अनुभव लेना होगा। बिहार में बहुत कुछ दिक्कत है, बड़े बड़े फार्मर जो हैं बिहार में वो लोग से बात होता है, कहे तो कि यूपी के गोरखपुर के लोग आए थे जी, उड़ीसा के आए थे, बंगाल के लोग आए।